जीके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, आपको बताते चले कि लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि जिस तरह से हीरानगर इलाके की अगर बात करें तो हीरानगर के सैडा सोहाल गांव में जिस तरह से सस्पेक्टेड फायरिंग हुई थी, लेकिन अभी की बड़ी जानकारी आ रही है सामने कि ये टेररिस्ट अटैक हुआ है हीरानगर के सैडा सोहाल गांव में, जो भी कूटा से ये ऊपर इलाके पड़ते हैं। इसकी कंफर्मेशन, इसकी पुष्टि जो है एडीजीपी जम्मू जोन ने कर दी है। ये अभी की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आपको बताते चले कि इसमें अच्छी खबर यह है कि एक आतंकवादी को, एक टेररिस्ट को मौत के घाट उतार दिया गया है, यानी एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। और बताया जा रहा है कि कुछ वहां पर सिविलियन जो वो जख्मी भी हुए हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये सैडा सोहाल इलाके में ये जो आतंकी हमला हुआ है, तो आतंकी जो है बताया जा रहा है कि 2 से 3 जिनकी संख्या है, और ये एक घर में जा घुसे और वहां पर जो है इन्होंने फायरिंग की है। लेकिन लेटेस्ट जानकारी हम लेंगे, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर है रंजीत मेहता हीरानगर से, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रंजीत, आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं? बताइए, अभी का क्या लेटेस्ट अपडेट है, कितने आतंकी हैं, और जिस तरह से जानकारी मिली है कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और कुछ वहां के सिविलियंस भी इंजर्ड हुए हैं, तो पूरी तफ्तीश करिए कि क्या कुछ अभी घटनास्थल पर जो है वो तमाम चीजें देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पर घटनास्थल की बात करूँ, ये इलाका है सैडा सोहाल, सोहाल गांव है, एक सैडा बड़ा गांव है, उसके साथ लगता है एक छोटा सा गांव है सोहाल। वहां पे आज शाम को करीब 8:30 के करीब मिलिटेंटों ने हमला किया और एक घर में जाकर घुस गए, और जिसके बाद उन घर के लोगों को बंधक भी बनाया गया, ये जो जानकारी आ रही है। जिसके बाद गांव के बाकी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे जो है वो बंद कर लिया, इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। और वहां पर ऋषि मैं आप बताऊं कि पुलिस भी बिना देरी किए फौरन वहां पे पहुंच गई और पुलिस ने इलाके को कॉर्डन किया, और उसके बाद वहां पे एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ, उन्होंने ग्रेनेड भी फेंके, कुछ सिविलियन के घायल होने की भी वहां पे सूचना है। उसके बाद जो इनकाउंटर स्टार्ट हुआ उसके दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराने की बात जो है वो सामने आई, जिसको कंफर्म कर दिया है एडीजीपी ने। और यहाँ पर भी हमारे पास जो अंदर से सूचना आ रही है गांव के अंदर से, क्योंकि वहां पर कॉर्डन इतना जबरदस्त किया गया है कि गांव के 400 से 500 मीटर दूरी पर ही सबको रोक कर रखा गया है, और वहां पर जो लोग अंदर ऑपरेशन के लिए गए हैं, फोर्सेज गए हैं, वही वहां पे अपना ऑपरेशन चला रही हैं। और इसके चलते वहां पे पूरी तरह से इस इलाके में अंधेरा छाया हुआ है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, लेकिन वहां पर जो बाहर का एरिया है वहां पर काफी ज्यादा फोर्सेज सुरक्षा एजेंसियों के लोग जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और इस आतंकी घटना की बात करूं, ये इलाका ऐसा एक तरफ बेई नाला लगता है, दूसरी तरफ परना नाला है, बीच में छोटे छोटे नाले हैं, नदी नाले खड्डों का एरिया है, और वहां पे एक गांव है। क्योंकि तो इस बार जो कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ, जो रास्ता है इस गाँव को वो उत्तर दिशा की तरफ से दक्षिण की तरफ जाना होता है, और दक्षिण के उस पहाड़ के पल्ली तरफ जो है वो नेशनल हाईवे का एरिया भी आ जाता है, वहां से इनकॉर्डन किया है। तो अब मिलिटेंट जिस इलाके में इनको घेर के रखा है वो इलाका वहां से निकलने की इनकी उम्मीद कम है, और देखते हैं कितनी जल्दी दूसरे को भी लैमिनेट किया जाता है। दो चीजें जानना चाहूंगा आपसे, एक तो ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एडीजीपी जम्मू जोन ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये आतंकी हमला हुआ है और एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट संख्या कितनी बताई जा रही है, कितने आतंकी हो सकते हैं, और जिस तरह से आपने बे नाला और ये तमाम इलाकों का जिक्र किया, तो क्या हम ये मान के चले कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है? जी, इन्फिल्ट्रेशन की बात करूं तो जरूर इन्फिल्ट्रेशन ही हुई होगी, क्योंकि पिछले का एक दिन पहले ही जो मेला गांव है वहां पर भी गांव के साथ लगते नाले में एक आदमी का, जो स्थानीय नागरिक का, जो रास्ता बंद घर से बाहर निकला था, उसका भी गला रेत कर उसकी भी हत्या कर दी गई और उसकी लाश मिली थी रात को करीब 11 बजे के थी। और उसके बाद भी वहां पे भी आज भी उसी इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन पुलिस और एसओजी द्वारा चलाया गया उनकी तलाश के लिए। कल 6 से 7 घंटे ग्रामीणों ने उसके मौत के बाद एहतजाज किया, प्रदर्शन किया, और उसके बाद जो है पुलिस के ऊपर काफी दबाव था उनके हथियारों को पकड़ने के लिए,
लेकिन पुलिस ने आज भी वहाँ पे जरूर लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है ये वही मिलिटेंट हो सकते हैं जिन्होंने मेला में भी वारदात को अंजाम दिया होगा। लेकिन संख्या जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी कोई पुष्टि हो पा रही है कि कितनी संख्या है आतंकी जो यहाँ पर घर में जाकर रिपोर्ट जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी दो लोगों की दो आतंकियों की जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी और कई जगह लोग दो से तीन बोल रहे हैं लेकिन दो की जो है वो पक्की खबर है कि दो आतंकी जो है इस इलाके में जिन्होंने हमला किया और उनमें से एक को मौके गार्ड जो है वो सुरक्षा बलों ने उतार दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इलाका कॉर्डन किया है सर्च लगातार जारी है तो एक आतंकी जिस तरह से मार गिरा है तो दूसरा जो वो भी नहीं बच सकता उसको भी जल्द ही जो वो आप कह सकते हैं कि उसका भी खात्मा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए भी क्योंकि जल्दी ही उसके लिए भी काम काफी जोरों शोरों से सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो वहां पे लगी हुई है और उसको भी लैमिनेट करने के लिए जो है जोर शोर से अभियान जो है वहां पे चलाया जा रहा है। चलिए रंजीव आप पल-पल की जानकारी हमें देते रहे क्या कुछ इस समय घटना स्थल पर जो वो सिचुएशन है इसको लेकर हम आपसे लगातार जानकारी लेंगे आप अपना भी ख्याल रखें। तो ये रंजीव मेहता हमारे संवाददाता जो कि हीरानगर से जो है वो कवर करते हैं पूरा इलाका। तो आपको बताते चले कि हीरानगर का ये कूटा इलाका कूटा के ऊपर जो सैडा सुहाल इलाका है गांव है पहाड़ी इलाका है टफ टेरेन है और यहीं पर जो ये आतंकी हमला हुआ है आतंकी जो कि घर में जाकर घुसे और घर के कुछ लोगों को बंधक बनाया गया जो हमें इनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि एक से दो सिविलियन जो है वो जख्मी हुए हैं लेकिन एक आतंकी को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है एक आतंकी को यूटिलाइज कर दिया गया है और दूसरे को भी जल्द किया जाएगा जिसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरा इलाका कॉर्डन किया है पूरा इलाका घेर कर इलाके की इस समय जो वो तलाशी जो ली जा रही है इलाका जो है वो सर्च किया जा रहा है और जल्द ही इंतजार कर रहे हैं कि एक ये न्यूज भी आए कि दूसरा आतंकी भी मार गिराया गया है। जो जानकारी मिली है कि दो आतंकी जो है इनकी संख्या बताई जा रही है जिन्होंने लगभग 8 बजे के आसपास फायरिंग की है जिस तरह से ये एक घर में घुसे हैं और वहां कुछ जो घर के लोग हैं उनको बंधक बनाया गया जो हमें जानकारी मिल रही है और कुछ लोग जख्मी हुए हैं और उसमें एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया एक टेररिस्ट को मार गिराया है दूसरे को भी जल्द मार गिराया जाएगा जिस तरह से ऑपरेशन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज का जारी है तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान इस समय ग्राउंड पर डटे हुए हैं चाहे वो आर्मी के जवान हो पुलिस के जवान हो तमाम इस समय जो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेज का हमला है ये वहां पर तैनात है और तमाम हमारे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। उम्मीद करेंगे ये जल्द ऑपरेशन खत्म होगा और जो एक आतंकी बचा हुआ है उसे भी जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा जिसको लेकर हम अपने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे यहाँ सिविलियंस का ज्यादा नुकसान ना हो और जल्द से जल्द इस आतंकी को भी खत्म किया जाए। जो बताया जा रहा है कि एक आतंकी अभी जो है ये बचा हुआ है और जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है इसकी कंफर्मेशन एडीजीपी जम्मू जोन की तरफ से कर दी गई है और ये भी कंफर्मेशन आ चुकी है कि एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया है और दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार सुरक्षा बलों के जवान डटे हुए हैं और अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है हीरानगर के कूटा के सैडा सुहाल गांव से यहां ये आतंकी हमला हुआ है। फिलहाल विदेशी के लिए जेपी 24/7 न्यूज के लिए।